नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर दी है। बता दे चले कि तीनों कृषि बिल्स को लेकर, तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले एक साल से किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे थे। इन तीनों कानूनों को काला कानून भी कह रहे थे लोग और इसे लेकर काफी ज्यादा विद्रोह हुआ था, काफी ज्यादा विद्रोह प्रदर्शन किया गया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा और सरकार नए सिरे से नए कानून बनाने की तैयारी करेगी और कानून इस तरीके के बनाए जाएंगे जो किसानों के हित में हो, जिससे किसान विद्रोह ना करें। बता दे चले कि इस तीनों कानूनों को लेकर, जिनमें से एक खास तौर पर एमएसपी का मुद्दा बना दिया गया था, जिसमें किसान इस बात को लेकर परेशान हो गए थे कि एमएसपी जो है उसकी दर निर्धारित नहीं होगी, इसको लेकर बहुत ज्यादा विद्रोह किया गया था, किसानों के मन में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और पिछले एक साल से सरकार और किसानों के बीच में कई सारी बैठकें भी हुई, कई बार कोर्ट को भी उसमें दखलअंदाजी करनी पड़ी, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था। किसान लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि इन तीनों कानूनों को, जिन्हें किसान लगातार काला कानून कह रहे थे, उन्हें वापस लेना चाहिए। और सरकार की तरफ से आज यह ऐलान कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज यह ऐलान कर दिया गया है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, सरकार नए सिरे से कानून बनाने की तैयारी करी। आपको बताते चले कि कई बार बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर विचार किया गया था, किसानों को सरकार के द्वारा ये तीन कानून समझाए जाने की कोशिश की गई थी, जिनमें से एक एमएसपी को लेकर था, एक था मंडियों को लेकर जिसमें मिडिल मैन को हटाने की बात की जा रही थी, तो वहीं किसानों को दूसरे बिल को लेकर ये भी नाराजगी थी कि फार्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है सरकार। और सरकार पर लोग इन तीनों कानूनों को लेकर काफी ज्यादा हमलावर हुए थे, कई ज्यादा विद्रोह प्रदर्शन का सामना सरकार को करना पड़ा था। दिल्ली, हरियाणा, इन सबके बॉर्डर्स पर किसान लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे और लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि तीनों कानून किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं किए जाने चाहिए। सरकार की तरफ से इन कानूनों पर कुछ वक्त के लिए रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन आज बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि ये तीनों कृषि बिल सरकार वापस ले लेगी। ये तीनों कृषि बिल जिन्हें काला कानून कहा जा रहा था किसानों के द्वारा, वो अब सरकार वापस ले रही है, उसका ऐलान कर दिया गया है। और नए कृषि कानून जो कि किसानों के हित में होंगे, जिन्हें जिनकी वजह से किसानों को इतना ज्यादा विद्रोह ना हो, इतने ज्यादा किसान गुस्सा ना हो, ऐसे नए कानून तैयार किए जाएंगे। किसानों के साथ बैठक कर, उनके विचार समझकर और उनके क्या हित है, क्या डिमांड समझकर नए बिल सरकार के द्वारा तैयार किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि तीन कृषि कानून जिसे लेकर पिछले एक साल से देश में बवाल मचा हुआ था, इन तीनों कानूनों को सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।